नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज तो चल ही रही है, दो मुकाबले हो चुके हैं और तीसरा वनडे रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके बाद सिर्फ दो ही दिन बाद यानी कि 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज हो जाएगा। वनडे सीरीज है, उसके बाद टी20 सीरीज है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है चार टेस्ट मुकाबले। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और टी20 सीरीज का ऐलान भी हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में लाओ, सूर्य कुमार यादव टेस्ट में मैच विनर बनकर उभरेंगे, सूर्य कुमार यादव टेस्ट क्रिकेट को भी बदल देंगे जिस तरह से सूर्य कुमार यादव शॉट्स लगाते हैं। अब सूर्य कुमार यादव तो टेस्ट टीम में आ ही गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बीसीसीआई के सिलेक्शन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सूर्य कुमार यादव आखिर टेस्ट टीम में क्या करने गए हैं? क्या उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी? क्या सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में शामिल होंगे? क्या पता। सबसे पहले स्क्वाड्स देख लेते हैं। जो तीनों स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं, तीनों में ही सूर्य कुमार यादव का नाम है। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक। अब सूर्य कुमार यादव वनडे टीम में श्रीलंका के खिलाफ तो नहीं खेले, तो क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव वनडे टीम में प्लेइंग 11 में शामिल हो पाएंगे? क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि सूर्य कुमार यादव टी20 के शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट का अभी पता नहीं है। भारत की टी20 टीम की बात करें तो यहां तो सूर्य कुमार यादव को कोई हिला ही नहीं सकता है, उप कप्तान भी हैं टी20 टीम के, तो टी20 टीम में से तो सूर्य कुमार यादव को नहीं हटाया जा सकता है। ये पूरी टी20 टीम जो है हम आपको दिखा रहे हैं, हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, पृथ्वी शॉ का नाम इसमें ऐड किया गया है। पृथ्वी शॉ क्या प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं या फिर पृथ्वी शॉ भी बेंच गरम करने ही गए हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ये वो टेस्ट टीम है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पहले दो टेस्ट मुकाबलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टीम उतरती हुई नजर आएगी। केएल राहुल उपकप्तान बनाए गए हैं। सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे आखिर में दिया है बीसीसीआई ने। अब नाम आखिर में दिया है, क्या प्लेइंग 11 में शामिल हो पाएंगे? चेतेश्वर पुजारा हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल हैं, जिन्होंने टेस्ट मुकाबले खेले हुए हैं। ऐसे में क्या सूर्य कुमार यादव टॉप ऑर्डर में कहीं भी या मिडल ऑर्डर में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? क्योंकि रोहित के साथ अगर शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा आते हैं, 4 पर विराट कोहली आते हैं, उसके बाद आपको शुभमन गिल भी हैं आपके पास, केएल राहुल भी आपके पास है, केएस भरत भी आपके पास है, श्रेयस अय्यर भी हैं, तो क्या सूर्य कुमार यादव की जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। क्या पृथ्वी शॉ को टेस्ट टीम में इंक्लूड किया जा सकता था? क्योंकि रणजी में तो रन बनाए थे पृथ्वी शॉ ने, लेकिन उनको ऐड किया गया है टी20 स्क्वाड में। ऐसे में सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 में जगह शायद ना बन पाए। सरफराज खान, जिन्होंने रणजी में शानदार से भी अगर कुछ ज्यादा बड़ा शब्द होता है वैसे वाला प्रदर्शन करके दिखाया है, उन्हें टेस्ट टीम में जगह अभी भी नहीं मिली है। सूर्य कुमार यादव, जिनको हम वनडे का प्लेयर भी नहीं मानते, तो क्या इतनी जल्दी टेस्ट में सूर्य कुमार यादव का पदार्पण करवाना ठीक था बीसीसीआई के फैसले की? सोशल मीडिया पर तो आलोचना हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम सबकी मांग जो है वो शायद बीसीसीआई ने सुन ली है। सूर्य कुमार यादव को स्क्वाड में तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन खेलते हुए सूर्य कुमार यादव शायद हमें नजर नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में लाना ठीक है? और लाना ठीक है तो क्या प्लेइंग 11 में भी खिलाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।